ना। हेलो, अरे खड़े हुए, क्या हो गया आपको? आपका नाम क्या है? तुमने मुझे क्यों उठाया? क्यों ना, उस कमीने की वजह से मरोगे आप? आपके माँ बाप क्या सोचेंगे, हमारी बेटी शेरनी थी और ऐसे गिदड़ों की मौत मर रही है। और क्या करूँ बताओ यार, मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए, मैं चलूंगा ना। रुई, मेरी बात सुनो, अब आप रोइए मत, चलो मेरे साथ चलो। बस आपने इतनी हेल्प कर दी, पानी पी लो। कोई पानी वानी नहीं पीना, बस मुझे मार दो। अरे रुई क्या कर रही हो ऐसे, तो पागल हो गई। कैसा बोझ देना ऐसे? अरे सही हो जा, ये सही हो जा। अरे तो देखो तो सही, कैसा लग रहा है? बैठ के दे, बैठ के दे। अरे जसू भाई इधर 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 एकदम हो रहा है। हेलो, ओ माय गॉड, एक्सक्यूज मी, पानी 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 पानी, जल्दी पानी दो, पानी दो यार। अरे ले ले, बैग बैग पानी, बैग में पानी, बैग में चल, जल्दी कर, जल्दी पानी, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी, ओ ना। हेलो, अरे खड़े हुए, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? तुमने मुझे क्यों उठाया? क्यों उठाया मुझे तुमने, ऐसी रहने देते हो? अरे कोई बात नहीं, ऐसे रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? आप तो यार बेहोश पड़ी हुई थी यहाँ पे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूही है। ऐसे क्या हो गया? कुछ नहीं यार, बस ऐसी। अरे मुझे बताओ तो सही यार, आप यार आप जाओ यहाँ से, बस मुझे ऐसे ही रहने दो बैठे। अरे फिर भी मुझे बताइए तो सही, हुआ क्या है? देखो मेरे को बताओ तो सही, क्या हुआ है? यार तो आपको क्या बोलूं मैं, आपके चोट भी लग रही है, गर्दन पे नाखून लग रहे हैं, क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं यार, मेरे हस्बैंड से, ये हाथ भी लाल हो रहे हैं आपके तो? कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई थी मेरी। तो फिर जाओ यार आप यहाँ। अरे मेरी बात तो सुनिए, जाओ यार आप यहाँ से, बस मैं कुछ देखो नहीं चाहती आपसे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, वैसे आई एम यूट्यूबर, मैं ना सबकी हेल्प करता हूँ। अब मैं अभी आप सूट के लिए आया था, एकदम मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाओगे बस। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं सब करूंगा, पहले आप यहाँ से खड़े होइए, आइए मेरे साथ आइए। यार मुझे मार दो बस आप। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो रोई, रुई मेरी बात सुनो, अरे सुनो मेरी बात तो सुनो, खड़े हो। नहीं यार मैं नहीं जीना, रुई मेरी बात तो सुनो, यहाँ पर जाओ। अरे रुई मेरी बात तो सुनो यार, मुझे नहीं जीना। देखो इस वक्त हम सेफ नहीं है यहाँ पे, अब रात भी हो रही है पार्क में। अरे आप जाओ यार, मैं अपने आप को हैंडल कर लूंगा। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, मैं आपकी भी हेल्प करूंगा, आप मेरे को अपना भाई समझ सकते हैं, इट्स ओके। अरे रोइए मत, रुई मत, रुई शांत, रोइए मत, चलो मेरे साथ चलो। सुनो तो सही, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आओ मेरे साथ तो चलो। क्या हुआ, क्या था आपके साथ ऐसा? कुछ नहीं यार, मेरा जसू भाई, मेरा बॉय फ्रेंड है, वो मेरे को गलत काम करने के लिए बोल रहा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। आओ इधर आओ, इधर बैठ जाओ आप, साफ बैठ जाओ, कोई नहीं, बैठ जाओ इधर बैठ जाओ, इट्स ओके। पानी पीना? नहीं। क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, मेरा बड़ा भाई भी नहीं है कोई भी, और मेरा हस्बैंड तो मैंने बोला ना कोई नहीं, तो मैं हूँ ना। मेरा हस्बैंड मुझे उल्टे सीधे काम करने के लिए कह रहा है, उल्टे सीधे मेरे को धंधे पे बैठने के लिए कह रहा है, और मैं तो कुछ नहीं। ये कब से चल रहा था? बस जब से मैरिड हुई है मेरी, जब से मेरे को दुखी सुनो, कर रखा। मेरी बात सुनो, क्या घर वाले से बात करी आपने? नहीं ऐसी, किसको भी नहीं बताया? नहीं। ओ सेट यार, अरे एक्चुअली ऐसा है, मैं यहाँ पे भी फोटो शूट कर रहा था, आप बेहोश पड़ी थी, तो मैं एकदम से चौंक गया, हुआ क्या आपको? और आपके नाखून वाखून भी लग रहे थे, इसलिए मैंने ना आपको मैं ये काम नहीं करना चाहती, वो मुझे लड़ाई झगड़ा करके चला गया मार पीट के, तो मैं एकदम से बेहोश थी। उसका नाम क्या है उस कमीने का? उसका नाम, अरे देखो आपसे क्या बोलूं, देखिए देखो रो मत, मेरी बात तो सुनो, रोइए मत। आपने, आप मेरे को जो कुछ भी समझ सकते हैं, अपने भाई के तौर पे मैं, आप बहन के नाते बता रहा हूँ, मैं हूँ आपका साथ देने के लिए। ये रोइए मत, मैं आपके घर चलता हूँ, आपके घर वालों से बात करूंगा, ठीक है? आप मेरे घर वालों से क्या बात करोगे? अरे मैं लड़ूंगा ना आपके लिए, ऐसा हो रहा है और ऐसा होने दूंगा मैं, मेरे सामने, आपने मेरे से मदद ली है ना? यार वो आदमी बहुत बुरा है, बस मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। अरे तो बुरा है, बुराई पे जीत भी हासिल होती है, ये थोड़ी बुराई चलती रहेगी, बुराई के आगे जीत भी है। सुनो रुई मेरी बात सुनो, रोइए मत, पहले आंसू पहुंचो, ठीक है? रो मत, मेरी बात सुनो, मैं चल रहा हूँ आपके घर। कितनी दूर आपके घर यहाँ पे? फोन वोन है आपका कुछ? नहीं यार, मेरा फोन वोन सब छीन के ले गया वो। सिट मैन, मेरे को जबरदस्ती गाली बोल रहा है कि मेरे को ये काम क्या चल रहा है गाइस, बताओ यार। रुई देखो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मैं आपके लिए लड़ूंगा और अभी आपके घर चलूंगा, आपके पेरेंट्स से बात करूंगा, पर आपका भी एक हक बनता है, मेरा साथ देना पड़ेगा आपको। यार मेरा कोई साथ नहीं देता, मैं क्या, मैं हूं ना, मैं दे रहा हूं ना आपका साथ, मैं क्यों, मैं अगर मैं कोई बेमतलब इंसान होता, मैं गलत फायदा उठा सकता था, आपको कहीं और ले जा सकता था ना, हेल्प के एक भाई के नाते बोला ना, समझाया ना आपको, और मेरी जनता देख रही है आपको इस वक्त, पता है?
ये मेरा चैनल है, मेरे फैंस है, मेरे जो भी भाई हैं सब आपको देख रहे हैं, उनको पता है मैं कैसा हूँ। और इस वक्त आप बहुत सेफ है, पता है मैं भाई जैसा हूँ आपका, और आपको मैंने सीधा भाई बोला, कोई और होता गलत फायदा उठाता। गाइज अब एक काम करिए, आपका घर कितनी दूर है बताइए मेरे को। घर तो मेरा थोड़ा सा दूर है, तो मैं आपके साथ चलूं? यार आप मेरे घर वाले से क्या बात करोगे? मैं बात करूंगा, उस कमीने से लड़ूंगा। क्या एक भाई अपनी बहन के साथ गलत होते हुए देख सकता है? देखो रुई, देखो रो मत, कोई बात नहीं गाइज, कोई बात नहीं, ऐसी हो जाती है घटना, और उसके कारण लोग बाग ऐसे कर जाते हैं, अपनी औकात दिखा जाते हैं, कुछ चंद पैसों के लिए अपनी औकात दिखाई देते हैं। और जो उस कमीने ने करा है, कोई नहीं, उसकी सजा उसको मिलेगी और जरूर मिलेगी, मैं लड़ूंगा उससे। क्या चल रहा है गाइज? रुई रोइए मत, रुई मेरी बात सुनो, अब आप रोइए मत, चलो मेरे साथ चलो। हैं यार बस आपने इतनी हेल्प कर दी उसके लिए, थैंक यू। पानी पी लो। मुझे कोई पानी वानी नहीं पीना, बस मुझे मार दो बस। अरे रुई क्या कर रही हो ऐसे, तू पागल हो गई हो क्या? मुझे मार दो उस कमीने के लिए, मरोगी तुम जो तुम्हारे साथ ऐसे कर रहा है, वो जो मैं कुछ समझ भी नहीं रहा है। और रोइए मत यार, आप जितना डरोगे वो डराएगा इतना कमीना। यार मेरी जिंदगी में रो नहीं है बस। रुई कुछ नहीं, ऐसा कुछ खत्म नहीं हुआ यार, बस उसके लिए थैंक यू। अरे मैं आपके घर चल रहा हूँ ना, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ना। नहीं यार बस मुझे आप मार दो बस। अरे नहीं रुई क्या कर रही हो आप? एक काम ऐसा कर दो बस, होश में आओ, क्या हो रहा है तुम्हें? कुछ नहीं बस ऐसे। अभी तो आप सही बात कर रही थी, अब एकदम से मरने की बात कर रही हो। अपने माँ बाप की तरफ देखो, आपके घर में कोई और भी होगा उसकी तरफ देखो ना, उस कमीने की वजह से मरोगे आप। आपके माँ बाप क्या सोचेंगे, हमारी बेटी शेरनी थी और ऐसी गिदड़ों की मौत मर रही है। और क्या करूँ बताओ यार, मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं लड़ रहा हूँ ना आपके लिए, मैं चलूंगा ना, मेरे पास प्रूफ है ना, सारी बात रिकॉर्ड हो गई है ना। कम से कम आपके पेरेंट्स देखेंगे सही कि अपनी लड़की को ऐसे छोड़ देते हैं, ना कोई ख्याल रखना, वो सही रख रहा नहीं रख रहा। अरे यार जाओ वहां देखो उस लड़की पे क्या बीत रही है गाइस। और कोई नहीं रुई मैं चल रहा हूँ, मैंने बोला है मैं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, और मेरे पास प्रूफ है, वो दूसरा भाई भी देख रहा है। ठीक है रुई, कोई घबराने की बात नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा, आपकी मदद करूंगा जितनी हो सकती है, चाहे वो साला कोर्ट तक घसीटना पड़ जाए, मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। थैंक यू। और गाइस कोई नहीं, मेरे भी आंखों में आंसू हो गए, पर इससे हो गए, इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सकता है, और मैं चल रहा हूँ उसके साथ। और जसू भाई कैमरा खड़ा करो, चलो रुई। हैं कोई नहीं बहन, एकदम से ना सब खत्म नहीं हो जाता, ठीक है? और गाइस मैं जितना बोलना बार बार बोलने के ना, मेरा माइंड बहुत गर्म हो चुका है इस वक्त, मन कर रहा है वो कमीना मेरे सामने आ जाए, मैं उसका गला दबा के मार दूँ उसे। भाई ये औकात दिखानी थी इसलिए तूने इससे शादी करी क्या? इसलिए इसके साथ भगा गया, इसके साथ ऐसा करने गया था क्या? दमे तो मेरे से भिड़, मैं बताऊँ तेरे को क्या चीज़ हूँ मैं। गाइज जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। और इस वीडियो को जसू भाई चलो चलो बहन, कोई नहीं, इट्स ओके, जितना हो सका मैं आपकी मदद करूँगा। कितनी दूर है आपका घर? बस थोड़ा सा दूर है। फाइनली मैं उस लड़की को उसके घर छोड़ के आ चुका हूँ, और मतलब पूरे रास्ते पर वो परेशान रही, रो रही थी, और घर वालों ने उसको डांटा भी और समझाया भी। पर आखिरी में ना एक बात बोलना चाहूँगा, माँ बाप का काम क्या होता है, ख़ासकर लड़कियों की तरफ ना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़की की शादी हो गई या उसने शादी कर ली तो छोड़ दो यार, बाकी आप समझदार हो, ख्याल रखो, और जितना हो सके ना मेरे चैनल को प्यार दो। और लड़की की तो मैं हेल्प करूँगा, और जितने हेल्प हो चुकी है उसको मैं नंबर दे चुका हूँ अपना, और उसके घर उसको छोड़ के आ चुका हूँ, उसकी मम्मी और उसकी फैमिली ने उसको संभाल लिया है। और रही उस लड़के की बात, जितना कोर्ट कचहरी हो सके उतने दूर तक उसको खींचेंगे। तो जब तक के लिए मेरे इंस्टाग्राम इधर आ रहा है, जाओ फॉलो करो, लाइव बात करेंगे, और मैं ऐसे आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।